वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज हिमांशु। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ होम वर्कआउट के बारे में। क्या होम वर्कआउट करके बॉडी बनाया जा सकता है, मसल मास गेन किया जा सकता है, या फिर ऐसे ही बस नॉर्मल फिटनेस के लिए है? सो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा होम वर्कआउट से कि आप अपने मसल मास को जो भी था आपका पहले जो था, मतलब अगर जिम छोड़े हुए हैं उसके बाद अपना होम वर्कआउट स्टार्ट किया तो जो था वो शेप में आ जाएगा। लेकिन मसल मास गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए होम वर्कआउट नहीं, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी होता है, जो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो पाता है। तो चलिए शेयर करते हैं आज मैं अपना कुछ वर्कआउट वीडियोस, जो कि मैं बता दूं कि लगभग एक साल से अपना जिम छोड़ चुका हूं, जो कि वर्कआउट नो डाइट, सारा बॉडी वीक हो चुका है, वो वीक हो चुका था पूरा का पूरा। जो मैं स्क्रीन पर अपना शेयर कर देता हूँ, फोटोज़ देख लो। उसके बाद भाई मैंने सोचा कि पहले होम वर्कआउट करके ट्राई करते हैं क्या मेरा बॉडी शेप में आ सकता है कि नहीं। हम सोचे कि एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि क्या होम वर्कआउट करके बॉडी बनाया जा सकता है कि नहीं। तो भाई चलो, इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि जिससे आप सीख सकते हैं कि हाँ होम वर्कआउट में क्या क्या किया जाए। तो चलिए अपना वर्कआउट वीडियो शेयर करते हैं। अभी बॉडी बिना पंप का है, कि अभी मैं एक भी वर्कआउट नहीं किया हूँ, बस नॉर्मली मैंने सोचा कि वीडियो डाल देता हूँ। तो भाई चलो, मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ वर्कआउट का। उसके बाद तो सबसे पहले हम सोचे हैं 200 पुशअप मारेंगे, 200 पुशअप मारेंगे और उसके बाद डंबल से वर्कआउट करेंगे। तो पुशअप मारने में हमारे जॉइंट पेन बहुत होते हैं, चाहे सभी को होते होंगे, तो इसके लिए हम ये रखे हैं जो कि ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए जल्दी देखने को मिल जाएगा हमारे बॉडी में। तो लेट्स सी, हम लगाते हैं वाइट पुशअप। वहीं 50 पुश अप है तो हट के हाथ में आ गया। It's not the photos you take, but the moments you make that are worth giving. Don't just take, give in stacks. White push-up करने के बाद अब हम करने वाले हैं close. सब close करेंगे, थोड़ा सा close करेंगे और इस पे try करेंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up.
कहीं पे भी पीछे पैर रखने के लिए कहीं भी पे भी ऊंचे जगह पे रख के उसके बाद करना है। उसके लिए हम ले आए हैं चेयर। तो गाइस फाइनली हमारा पुशअप वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और हालत बहुत ख़राब हो चुका है और कंडीशन देख सकते हैं, पंप बहुत ही अच्छा है। अब हम स्टार्ट करते हैं बाइसेप के लिए वर्कआउट। पुशअप में आई थिंक लगभग ओवरऑल अपर बॉडी का हो जाता है वर्कआउट कंप्लीट, क्योंकि बाइसेप बहुत ही टाइट है, देख सकते हैं। पहले कुछ रेस्ट करते हैं 4 से 5 मिनट और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम बाइसेप वर्कआउट। हमारे पास है डंबल भी है और एक रॉड है जो कि सिर्फ रॉड से ही करते हैं, डंबल से कभी कभी कर लेते हैं बैक का वर्कआउट। चलिए आज हम सिर्फ बारबेल टाइप का है एक रॉड, उसी से करेंगे। ये है 5-5 kg दोनों तरफ है, इससे हम 25-25 का 2 सेट लगाएंगे, 4 सेट लगाएंगे, 50 क्लोज ग्रिप से और 50 वाइड ग्रिप से। तो लेट्स स्टार्ट। वाइड ग्रिप से हो चुका है 50 और अब हम करेंगे क्लोज ग्रिप से। तो ये है क्लोज ग्रिप, दोनों क्लोज ग्रिप पकड़ कर लिए हैं और हाथ को आगे करके ऐसे करना है कि पूरा का पूरा हमारे बाइसेप पे ही लोड पड़े। सो लेट्स स्टार्ट।
गाइस फाइनली हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और जिसमें हमारे 200 पुशअप एंड वो रोड से वर्कआउट किए हैं। इस तरह का वर्कआउट करके आपके अपर बॉडी पार्ट के लिए काफी है इतना, और ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम डाइट का वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं। सो आगे भी होम वर्कआउट का वीडियो आते रहेगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।